मानगढ़ जांच के आज के 3 महीने पहले राजस्थान की मुख्यमंत्री ने जब राजस्थान की धरती के ऊपर गायें मर रही थी तो इसी धीरज गुर्जर ने विधानसभा के अंदर खड़े होकर कांग्रेस पार्टी के झंडे के तले गायों के मरने के खिलाफ उस विधानसभा के अंदर हंगामा किया था और हमको उस विधानसभा से बाहर निकाला था। मेरा विरोध करने वाले लोग ये भूल गए कि धीरज गुर्जर भीलवाड़ा के इतिहास का पहला विधायक है जिसने किसानों के मुआवजे के लिए राजस्थान की विधानसभा के अंदर हंगामा किया और विधानसभा से हम लोगों को बाहर निकाला गया। और जो मुझ पर आरोप लगाते हैं शहीदों के अपमान का, उनको धीरज गुर्जर एक ही बात कहना चाहता है कि पन्ना दाई की बेटों की रगों के अंदर जो खून और जो दूध था वही खून और दूध धीरज गुर्जर की रगों के अंदर है। जिस पन्ना दाई ने मेवाड़ के गौरव की रक्षा के लिए अपने बेटे का खून बहा दिया उसी पन्ना दाई का वंशज मर सकता है लेकिन महाराणा प्रताप का कभी अपमान नहीं कर सकता। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ वो ये भूल गए इस मेवाड़ की धरती पे इस महाराणा के लाल पे जितना अधिकार हिंदू का है उतना ही अधिकार मुसलमान का है, जितना अधिकार कांग्रेस का है उतना ही अधिकार बीजेपी का भी है। इसलिए किसी महापुरुष को पार्टी की सीमाओं के अंदर बांधने का प्रयास मत करो। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे भीमराव अम्बेडकर हो, और ये तो वो नाम है जिनके नामों की शहादत की आपको और हमको पता है, लेकिन इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए न जाने किस किस हिंदू ने, न जाने किस किस मुसलमान ने अपने प्राणों की आहुति दी होगी तब ये अंग्रेजों के चुंगल से हिंदुस्तान आजाद हुआ होगा। इसलिए शहीद की कोई जाति नहीं होती, देश में मरने वाले सैनिक की कोई जाति नहीं होती, इसका कोई परिवार नहीं होता। किसी शहीद को जाति की सीमाओं में बांध के या पार्टी की सीमाओं में बांध के उस शहीद की शहादत का अपमान मत करो। कल जिस शहीद ने पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान के हथियारों ने हमारे जिस भाई की हत्या कर दी वो शहीद तो हुआ है लेकिन उसकी लाश को संरक्षित करने का बुरा काम किया है। ये भूल गए तुम लोग कैसे मानगढ़ की धरती में धीरे धीरे ने कहा था माधोगढ़ की कसम खा के हिंदुस्तान पर कभी पाकिस्तान आक्रमण करेगा तो धीरज गुर्जर अगर गुर्जर का बेटा नहीं AK-47 लेकर सीमा के ऊपर नहीं चला जाऊं तो इसे याद रखना। देशभक्ति धीरज गुर्जर के खून के अंदर है, देशभक्ति धीरज गुर्जर की रगों के अंदर है। और जो सवाल मुझसे पूछते हैं कि धीरज गुर्जर हिंदू है या मुसलमान, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि धीरज गुर्जर के माथे पे 24 घंटे तिलक रहता है और गले में माला रहती है। मैं हिंदू हूँ इसका सर्टिफिकेट लेने की मुझे किसी से जरूरत नहीं है। और मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ जीवन में एक बार ध्यान रखना कि मेरे भगवान राम मुझे ये कभी इजाजत नहीं देते कि खुद के धर्म की जय लगाऊं और दूसरे की हुजूर लगाऊं। धीरज गुर्जर हिंदुस्तान को अयोग्य रखने के लिए मर सकते हैं। धीरज गुर्जर बाप से ये वादा करना चाहता है कि आज मैं आपसे कहता हूँ कि जो मेरा विरोध कर रहे हैं बीजेपी के लोग उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि भगवान चार गुजर नाथ की सोगन इस देवनाथ की सोगन पिछले 15 साल से धीरज गुर्जर जब तक नहाने के बाद भगवान के दर्शन नहीं कर लेता और पूजा नहीं कर लेता तब तक अन्न का दाना मुंह में नहीं डालता है। धीरज गुर्जर शराब की एक घूंट भी अपने मुंह में नहीं लेता है। धीरज गुर्जर मांस का एक टुकड़ा भी अपने मुंह के अंदर नहीं खाता है। धीरज गुर्जर अपने मुंह के अंदर तंबाकू पान बीड़ी गुटखा भी नहीं खाता है। जो आदमी भगवान के दर्शन के बिना रोटी नहीं खाता उससे अगर तुम हिंदू होने का सवाल पूछोगे तो फिर तुम हिंदू होने का सर्टिफिकेट किसे दोगे? और तुम्हारे पास ऐसे कितने आदमी हैं? उनको लगे अच्छी बात मेरे मंच पे खड़ा करना। मैं तो झोगड़िया माता की सोगन खाता हूँ कि अगर मैं शराब मांस मच्छी दारू गुटखा पान बीड़ी तंबाकू खाता हूँ तो मेरी सांस पूरी खत्म हो जाए, और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो जिंदगी में कभी मेरे हिंदू होने का सवाल है निशान मत लगाना, मुझे हिंदू होने का। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मेरे हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी मुसलमान भाई की तरफ उंगली उठाऊं। जब जब याद रखना हमारी लड़ाई हिंदुस्तान के मुसलमान से नहीं है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से है। और जब घर के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़ेंगे वो घर टूट जाता है जिस घर के अंदर फूट पड़ जाती है, वो बिल्डिंग टूट जाती है जिसके चारों खंभे अलग हो जाते हैं। और इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक रहेंगे तब पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो चाहे जापान हो इनके टुकड़े करने के लिए हिंदुस्तान का हर आदमी सेना के ऊपर जाएगा। जो मेरा विरोध कर रहे हैं उनको दर्द इस बात का है कि धीरज गुर्जर ने भारत माता की जय लग गई और लोगों ने भारत माता की जय लगाई। अगर लोग इस तरह से भारत माता की जय लगाने लग जाएंगे तो हमारी दुकानें बंद हो जाएगी। इसलिए ये बीजेपी और एबीवीपी के लोग विरोध कर रहे हैं।
राजपूत समाज मेरा विरोध कैसे करेगा? हम तो उनके लिए दूध और खून देने वाले लोग हैं, हम तो एक जाजम में बैठने वाले लोग हैं। और एक बार नहीं, मेवाड़ के गौरव के लिए, मेवाड़ की सेना के लिए, मेवाड़ को मारने के लिए अगर 100 बार भी हमको मरना पड़ेगा तो हमारे खून की एक एक खून मारना मेवाड़ में काम आएगी। लेकिन हम लोग गद्दार नहीं रहेंगे, आपसे मैं कहना चाहता हूँ। और मैं खासकर आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो छात्र शक्ति है, आप लोग हिंदुस्तान के आने वाला भविष्य है। आप लोग इस बात का निर्णय करेंगे कि हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनना चाहिए। और हिंदुस्तान विश्वगुरु तब बनेगा जब एक भाई का दूसरे भाई से प्रेम होगा। हिंदुस्तान विश्वगुरु तब बनेगा जब हिंदुस्तान के अंदर एक रंग की नहीं तिरंगे की बात करी जाएगी। हिंदुस्तान आगे तब बढ़ेगा, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया तब बनेगा जब इस देश का एक एक आदमी भारत माता की जय लगाएगा, उसे अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप नौजवान पीढ़ी है, हिंदुस्तान कैसे होगा उसका निर्माण आपको करना है। आज हमारे पुरखों ने, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, उन्होंने अपने सीने पे गोलियां या गले में फांसी का फंदा इसलिए खाया कि हमको आजाद भारत दे सके। और इस आजाद हिंद के अंदर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हम उसको कैसा हिंदुस्तान, कैसा भारत, कैसा देश देके जाते हैं। इसलिए लड़ने की जगह मिलाने का काम करिए, इसलिए तोड़ने की जगह जोड़ने का काम करिए, इसलिए विकास का पहिया रोकने की जगह